वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इंडियन जॉब वाला। इंडियन जॉब वाला में आज फिर से हाजिर हो चुके हैं अपडेट को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संघी सीमेंट के बारे में। जी हाँ, संघी सीमेंट में वैकेंसीज लेकर आया हूँ दोस्तों, और इसमें जो वैकेंसीज है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए है। और तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि जो संघी सीमेंट है दोस्तों, इसका जो लोकेशंस होने वाला है वो गुजरात के लिए होने वाला है दोस्तों। और बता दें दूसरी बात कि अभी जो वैकेंसीज है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या वैकेंसीज है। तो दोस्तों अभी जो वैकेंसी है, पिछले दो तीन दिन की वैकेंसीज अपडेट है, मैं उसको बता दूँ। और उससे पहले बता दूँ कि दोस्तों अगर आप संघे सीमेंट पर अप्लाई करना है तो आपको पहले अगर चाहे तो साइन अप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों आपको बता दें जो फर्स्ट वैकेंसीज है इसमें इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। डिपार्टमेंट RMH संघीपुरम अबदासा गुजरात इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट दोस्तों परमानेंट होने वाला है। 18 जून को अपडेट किया गया था। इंजीनियर वैकेंसी है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जो संघीपुरम अबदासा गुजरात के लिए परमानेंट जॉब है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन संगम अबदासा गुजरात के लिए परमानेंट। इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर CHP सेक्शंस के लिए संघीपुरम अबदासा गुजरात के लिए दोस्तों ये 17 को डाला गया था। और ये 16 को जो बॉयलर डिपार्टमेंट के लिए इंजीनियर का वैकेंसीज है परमानेंट होने वाला है दोस्तों। और इंजीनियर प्रोडक्शंस हैं जो 15 को डाला गया है। अब दोस्तों पिछले 4-5 रोज के मैंने वैकेंसीज को अपडेट कर दिया है। मैनेजर HR एडमिनिस्ट्रेटिव संघमपुरम गुजरात के लिए दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं सारा वैकेंसीज सामने आ चुका है दोस्तों। अब हम एक वैकेंसीज पे जाके डिटेल चेक करेंगे और अप्लाई करने का तरीका हम बताएंगे दोस्तों। तो उसके लिए हम संघे जो जॉब है इस पर मैंने क्लिक किया और इंजीनियर संघीपुरम RMH परमानेंट जॉब है, अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी और सिमिलर जॉब है जो अपडेट किया गया है बाकी कंट्री स्टेट के लिए, उसको इसमें आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। अगर इसी तरह का जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आपको होने वाला है ब्लैक एंड वेस्ट कंपनी के लिए दोस्तों। इससे पहले भी हमने इस कंपनी का वैकेंसीज़ को अपडेट करते हैं दोस्तों, और बता दें कि ये वैकेंसीज़ होने वाली है दोस्तों। आपको ये लीड इंजीनियर के लिए, डिज़ाइनर के लिए, लीड सिविल डिज़ाइनर के लिए, और जो नेक्स्ट वैकेंसीज है इसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है रिन्यूएबल उसके लिए, और इसी में जो नेक्स्ट सिविल इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी ली हुई है, परमानेंट वाले भी है, ये दोनों वैकेंसीज है सोर्स दोस्तों। तो चलिए अब हम बता दें कि इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैट डिज़ाइनर वाटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी है, और सिविल थ्री डी टेक्नीशियन परमानेंट MH इंडिया ये भी है दोस्तों। तो ये सारा वैकेंसीज आया हुआ है ब्लैक वेस्ट के लिए दोस्तों। ब्लैक वेस्ट कंपनी जो है ये MNC कंपनी है, विदेश की कंपनी है। सारी वैकेंसीज जो है इंडिया के लिए होगी, बट ये ऑलरेडी ऑल इंडिया में पूरे वर्ल्ड में काम करती है। और आज हम जो बात किए हैं जो भी बस वैकेंसीज के बारे में वो दोस्तों इंडिया के लिए है, और ये इंडिया में है महाराष्ट्र वगैरह के लिए, पुणे वगैरह के लिए वैकेंसीज है दोस्तों। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप देख सकते हैं इसका सारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा मेंशन किया गया है दोस्तों। मैं इसका आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। और दोस्तों किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।